या वेलकम बैक टू माय चैनल आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं सिमरन आ गई हूँ नए ब्लॉग के साथ और ये ब्लॉग होने वाला है कमला नगर पार्ट टू बट उससे पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा गोल गप्पे खा लेते हैं और इन्जॉय कर लेते हैं और जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लो गाइज और पार्ट वन जिसने नहीं देखा है पार्ट वन जाके देख लो मैं यहाँ पे लिंक भी दे दूँगी अगर आपको देखना होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ से जाके देख सकते हो बट आपको पार्ट टू में भी काफ़ी चीज़ें अच्छी देखने को मिलेगी तो आप देख लो आराम से फटाफट से तो मैं गई थी मंडे को और मंडे ऐसे कमला नगर मार्केट बंद होता है तो जिसको नहीं पता है मैं बता दूंगा इस मंगल मंगल बोल रही हूँ सोमवार को कमला नगर मार्केट बंद होता है तो बट अगर आप सोमवार को गलती से पहुँच गए हो तो डोंट वरी आप शॉपिंग कर सकते हो क्योंकि मंडे मार्केट लगी होती है और काफ़ी अच्छी लगी होती है जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैंने पचास रुपये वाला पैंट भी लिया था जो मेरे हाथ में दिख रहा होगा आपको काफ़ी चीज़ें आपको प्राइस बिल्कुल ही कम में मिल जाएगी लाइक वो जो अभी आपने लंच वाला बैग देखा वो आपको वन फिफ्टी हंड्रेड रुपीज़ का मिल जाएगा आराम से और सन ग्लासेस आपको एट्टी रुपीज़ हंड्रेड रुपीज़ की बहुत ही अच्छी अच्छी मिल जाएगी और ये पूरे मार्केट में लगा होता है और जो ने जो अभी मैंने ब्लॉक जो डाला था उससे पहले कमला नगर वाला वो पूछ भी रहे थे लोग कि ये लेन कौन सी है तो वो भी आज मैं विजिट करूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी इस टाइप की कैप आपको आराम से पचास रुपये अस्सी रुपये में मिल जाएगा गाइस इनके पास बकेट हैड भी था जिसको चाहिए होगा वो से परचेज कर सकते हैं तो अगर आप गलती से पहुँच जाते हो मंडे को कि आपको याद नहीं है कि मंडे था आज बट आप पहुँच गए हो तो बट तो डोंट वरी गाइज मंडे को भी बहुत सारी चीज़ें ओपन रहती है जहाँ से आप शॉपिंग करके आराम से जा सकते हो सामने जो मॉल है इसमें भी ओपन रहती है और अगर बता दूँ जो मॉल है उसमें एच एन एम भी है यहाँ पर तो एच एन एम में भी बहुत ज़्यादा सेल चल रही है अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके आप ले सकते हो सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा और मैं आज एच एन एम भी विजिट करने वाली हूँ तो आपको कमला नगर प्लस एच एन एम ब्लॉक इसमें देखने को मिल जाएगा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने एच एन एम की भी मतलब कवर की है जो आपको देखने को मिलेगा जहाँ काफ़ी आपको आइडिया मिल जाएगा किन किन चीज़ों पर सेल है और ये ड्रेस देख लो ये ड्रेस पचास रुपए की थी सिर्फ पचास रुपए की आप चाहो तो आप भी बाइक कर सकते हो ओनली फिफ्टी रुपीज और कितना सा था उसका कलर बहुत ही प्यारा सा लग रहा था जिसमें कलर कॉम्बिनेशन थी मतलब वाह बहुत ही सा था अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो कहीं पे आपको जाना है ऐसे कुछ अच्छी जगह पे तो आप वहाँ पे भी इसको वेयर कर सकते हो तो काफ़ी अच्छे तरीके से स्टाइल करके बहुत ही प्रटी लगेगा तो इनमें ऐसा होता है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है चूज़ करना पड़ता है ताकि तो आपको अच्छी चीज़ें मिल पाए तो यहाँ पे आपको टाइम देने की नीड है आप सोचो तो कि फटफट फटफट -फट -फट शॉपिंग हो जाए तो ऐसा नहीं होता है तो आपको यहाँ मंगडे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी मुझे ये शर्ट बहुत प्यारा लग रहा था जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला शर्ट ये काफ़ी अच्छा था ये हंड्रेड रुपीज़ का था ये फिफ्टी वाला नहीं था ये हंड्रेड का था पूरा जितना आपको दिख रहा है तो इनमें भी काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी और ऐसे मंडे ये वाला ड्रेस देख लो लगाई ये ड्रेस भी मिल रही थी मतलब वाह ये कितना तो प्यारा सा लग रहा था ब्लैक कलर का ड्रेस ये मतलब तो नॉर्मल ड्रेस बहुत ही अच्छी लगती है अगर आप पहनो तो इसको अच्छे से स्टाइल करके गोल्डन ज्वेलरी के साथ बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा लगता है तो स्टोर भी खुली होती है ऐसे मंडे मार्केट तो लगा ही होता है और मैं बहुत जल्दी भी चली गई थी इसलिए आपको खाली खाली भी थोड़ा दिख रहा होगा और जब मैं गई थी कमला नगर मार्केट उस टाइम मौसम इतना अच्छा था मतलब वाव इतना अच्छा वेदर था बिल्कुल धूप नहीं कुछ नहीं था वैसे लगता था कि बारिश होने वाली बट बारिश नहीं हुई थी थैंक गॉड की बारिश नहीं हुई थी मुझे लग रहा था कि बारिश हो जाएगी और मेरा जाना बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा बट ऐसा नहीं हुआ था मैंने अच्छे से ब्लॉग बनाया था और इतना ब्लॉग बना दिया कि मुझे पार्ट टू भी लाना पड़ा मतलब ये वाला नेट वाला टॉप कितना प्यारा लग रहा था अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो बहुत ही प्यारा था और बहुत ही अच्छे प्राइस में था वन फिफ्टी रुपीज़ में और क्या लोगे गाइस मतलब वाओ सो so सोटिव बिल्कुल ही सरोजनी मार्केट वाली फील आ रही है कि मैं सरोजनी मार्केट आ गई हूँ और वहाँ पर भी ऐसे थड़ी लगी होती है इस टाइप की जिसमें चूज करते हो आप यहाँ पे चप्पल्स वगैरह थे हंड्रेड रुपीज़ फिफ्टी रुपीज़ वन फिफ्टी रुपीज़ टू हंड्रेड रुपीज़ सब टाइप के चप्पल्स थे मतलब हील्स भी थी फ्लैट्स भी था बहुत ही अच्छे अच्छे लग रहे थे मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे सारे फ्लैट्स भी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन के भी थे बिल्कुल ही ऐसा फील होता था कि मैं सरोजनी मार्केट आ चुकी हूँ तो गाइज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ब्लॉक कैसा लग रहा है और कमेंट करके बताना मुझे कि क्या ऐसा होता है कि मैं आपको लगता है कि मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ या मुझे स्लो बोलना चाहिए क्योंकि ऐसे कमेंट मुझे रिसीव होते हैं कि आप को स्लो बोलना चाहिए आप बहुत जल्दी बहुत मतलब बोल देते हो और मुझे समझ भी नहीं आता है अगर ऐसा है तो मेरे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा सच में है तो ये वाला टी शर्ट था यहाँ पे ये मंडे मार्केट मंडे के मंडे के दिन भी लगाते हैं और ऐसे भी लगाते हैं बोल रहे थे तो इनके पास टी शर्ट की कलेक्शन बहुत अच्छी थी, थी गाई मतलब आप जैसे कि आप देख सकते हो अगर आपको लूज फिटेड टी शर्ट चाहिए क्रॉप टी शर्ट चाहिए तो इनके पास सब कुछ होता है जो ये टी शर्ट मैं देख रहा हूँ इसका प्राइस था टू फिफ्टी रुपीज़ काफ़ी अच्छा था क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी थी मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था मेरी सिस्टर ने यहाँ से एक टी शर्ट भी लिया था वो रेड कलर वाला जो अभी उसने पकड़ा था स्कूबी वाला वो वाला टी शर्ट उसने परचेस करा था रेड वाला काफ़ी प्यारा उसका फैब्रिक था बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल थे इसमें और बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन थे बहुत ज्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा था ये सारे मतलब टी शर्ट्स वगैरह की डिजाइन वगैरह बहुत ही प्यारे थे फैब्रिक मतलब ओ माय गॉड बहुत ही अच्छा था फैब्रिक अगर आप लोगे तो आपको समर में काफी अच्छा हेल्प मिलेगा बहुत ही सुंदर बैगी टी शर्ट जो बोलते हैं उस टाइप की थी और काफी अच्छा स्टाइल भी था मतलब एक बैगी बैगी टी शर्ट का भी अलग ही स्टाइल एक आ गया मतलब ये बिल्कुल ही गंवर सा लगता है बट ऐसा नहीं है ये वाला स्टाइल बहुत ही अच्छा लग रहा था मतलब उसने पहना था घर आकर बहुत ही अच्छा लग रहा था वो वाला अगर आप चाहो तो आप भी यहाँ से परचेज कर सकते हो भैया के पास काफी अच्छे अच्छे कलर्स थे और काफी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस भी थी और इतना अच्छा मतलब कॉटन होजरी जो होता है वो वाला फैब्रिक था जो आपको समर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही गर्मी लग रही बहुत ही मोटा फैब्रिक है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ से ले सकते हो मतलब मुझे यहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह पता नहीं थे कि इतने अच्छे मिल जाते हैं बट बहुत ही अच्छे मिलते हैं अगर आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ से आके ले सकते हो काफ़ी अच्छा था कलर वाइज भी बहुत अच्छा था और मतलब बहुत ही अच्छी प्राइस भी सही थी टू फिफ्टी में और क्या ही चाहिए अगर आपको यहाँ समझ नहीं तो फिर बगल में ही एच एन एम एच एन एम भी काफ़ी सेल है वहाँ से भी आप ले सकते हो बहुत ही अच्छा सेल था मतलब लाइक मैं ऐसे ऑनलाइन भी चेक करी थी बट आज मैं स्टोर में जाऊँगी स्टोर में देखूंगी क्योंकि मैं भी ऐसे सेल का देखने के नहीं गई हूँ मैं का गई थी स्टोर बट एच एन एम स्टोर नहीं गई हूँ तो बट यहाँ पर सोचा मैंने एच एन एम स्टोर है चलो यहाँ पे कवर कर लेंगे इसको ही और थोड़ा देख भी लेंगे क्या क्या मिल रहा है अभी क्या क्या सेल चल रही है काफ़ी टाइम हो गया सेल लगे हुए अभी थोड़ा मोटा ही बचा होगा और ये भी बिल्कुल नाइटी काइंड ऑफ था बट नाइटी फुल लेंथ वाला नहीं था बिल्कुल ही मतलब नीब से थोड़ा सा नीचे तक का लेंथ का था तो उस टाइप की भी थी चीज़ें बहुत सारी नाइट सूट्स वगैरह बहुत सारे थे बच्चों के लिए फ्रॉक्स लेने तो वो भी थे ये वाले इसका प्राइस था हंड्रेड रुपीज़ वन था बट भैया कह रहे थे थोड़ा कम कर देंगे ये वाले फ्रॉक्स मुझे सरोजनी नगर में भी देखने को मिले थे वहाँ पर भी प्राइस सेम ही था वन फिफ्टी ऐसे ही था हंड्रेड वन फिफ्टी अलग अलग, अलग वैराइटी के थे जो मैंने आपको दिखाया और सरोजी नगर वाले ब्लॉग में अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लो फटाफट फट से गाइस क्यों वेट कर रहे हो काफ़ी अच्छे मतलब ब्लॉग्स आते हैं मेरे अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा सरोजी नगर का ब्लॉग भी मैंने बनाया और भी काफ़ी सारे मार्केट्स के मैं ब्लॉग बनाती रहती हूँ जो मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मैं आपको बता दूँ अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पर काफ़ी अच्छे अच्छे जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर आप डेली नहीं आए हो या डेली आना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा आप ब्लॉग देख सकते हो ब्लॉग देख के पता चलेगा कौन सा मार्केट किस टाइप का मार्केट है कहाँ पे क्या मिल जाता है क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए काफ़ी ज्यादा चीजें मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके बताना मुझे कि कैसा लगा आपको और मेरी मानो तो हौस खास मार्केट तो जरूरी विजिट करो सरोजनी नगर तो जो है जो भी आते हैं दिल्ली उनको सरोजनी नगर फर्स्ट जाना होता है बट अगर आपको कुछ चीज़ें जो मतलब बिल्कुल ही उस टाइप की लेनी है मतलब प्रॉपर अच्छी क्वालिटी में अच्छी चीजें तो मैं आपको बोलूँगी कमला कमला नगर तो आप आ भी स, आ सकते हो यहाँ पे भी बट सबसे पहले आप हौस ख़ास मार्केट भी घूम लो क्योंकि वहाँ पे भी बिल्कुल बिल्कुल ही मतलब बहुत ही बहुत ही अच्छी और बहुत ही सही कपड़े मिल जाते हैं मतलब लाइक सो प्रटी मतलब मैं जब से उस मार्केट में गई हूँ मेरा मतलब दिल जीत लिया उस मार्केट ने सच में बट उसी मार्केट में मेरे को काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ कम आएगा इस प्लीज़ गाइस प्लीज़ ऐसा मत करो सरोजनी नगर तो आप देती हो बट हौस खास मार्केट की भी बहुत ही अच्छी है मतलब लाइक उसका जो है मतलब बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं फैब्रिक्स कपड़े बहुत ही अच्छे क्वालिटी में मिलते हैं बहुत ही अच्छा बट व्यूज़ कम आए हैं मेरे उसमें पता नहीं क्यों क्यों गाइस क्यों कर रहा है ऐसा आप प्लीज़ उसको देखो अच्छे से और इन्जॉय करो ताकि ताकि कुछ तो मतलब वो मेहनत मेरा मतलब फल दे मुझे वो मेहनत तो इसलिए थोड़ा तो कर सकते हो आप गाइज़ व्यूज़ कमाए उसमें बट कोई नहीं बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप देख सकते हो उस मार्केट को ज़रूर देखना क्योंकि वो मार्केट सच में बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे आपको इस टाइप के टॉप जो दिख रहे हैं इसका प्राइस बता रहे थे भैया टू फिफ्टी रुपीज़ दोनों के टॉप के मतलब टू फिफ्टी टू फिफ्टी थे काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी इनके पास भी टी शर्ट्स वही सेम प्राइस के थे इनके पास क्रॉप टी शर्ट्स भी थी और मतलब लूज़ फिटेड टी शर्ट्स भी थे बैगी वाले दोनों टाइप के टी शर्ट्स थे और इनके पास कॉट सेट भी था मतलब ऐसे दोनों वाला तो इसका प्राइस था फोर फोर हंड्रेड रुपीज़ और काफ़ी अच्छा क्वालिटी था फैब्रिक वगैरह का बहुत सारे डिज़ाइन भी थे अवेलेबल थे यहाँ पे तो मैं जो कह रही थी कि मैं मंडे को अगर आप आ जाते हो गलती से तो आप ऐसा नहीं होगा शॉपिंग नहीं कर पाओगे तो आपको लग ही रहा होगा कि आप अगर मंडे को भी आते हो तो शॉपिंग आराम से इजीली कर सकते हो तो डोंट वरी गाइस अगर आते हो तो आराम से आप इन्जॉय कर सकते हो शॉपिंग कर सकते हो स्टोर तो बंद होती है ऑब्वियसली बात है अगर मंडे बोला है बंद होती है, तो बंद तो होगा ही तो जितने भी स्टोर होते हैं वो तो बंद होते हैं बट कुछ कुछ चीज़ें खुली होती है उसको कुछ कुछ स्टोर भी खुले होते हैं और उस दिन मौसम इतना अच्छा था मज़ा आ गया मतलब लाइक वा और यहाँ पे ना मतलब लाफिंग भी मिलती जो मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था आपको लाफिंग आप जरूर ट्राई करना वहाँ का बेस्ट लाफिंग होता है बेस्ट मतलब ओ माय गॉड उसके सूपी सूपी वाले लाफिंग भी इतने बेस्ट होते हैं बहुत ही अच्छी और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी गाई कॉट सेट की मतलब बहुत ही सही था बहुत ही प्रटी लग रहा था मुझे कलर्स भी बहुत सारे अवेलेबल थे अगर आप चाहो तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो आपको बिल्कुल ही बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि फैब्रिक काफ़ी अच्छा था मैं देख भी रही थी ये वाली सारी चीज़ें ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कॉट सेट का जो सेट था बहुत ही प्रति था बहुत ही अच्छा था बिल्कुल एंट्री के पास ही एच के जो यहाँ पे है उसके पास ही एंट्री में फिर मैं जा रही हूँ एच की थोड़ा एच भी घूम लेते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है वहां पे क्योंकि मैं एच एन एम का सेल मैंने भी नहीं देखा था तो मैं सोचती थी आपके साथ ही देख लेती हूँ और क्योंकि मैंने एच एन एम का से ऑनलाइन ही चेक करा था ऑनलाइन ही मैंने कुछ कुछ चीज़ें ऑर्डर भी करी थी अपने लिए बट मैंने स्टोर पे मैं नहीं गई हूँ तो अभी चलते हैं स्टोर पे ये एच एन एम स्टोर काफी छोटा है ये वाला बट मतलब बट चीज़ें मिल जाती हैं बट छोटा है, है थोड़ा सा नीचे पूरी गर्ल्स वाला सेक्शन है ऊपर मेन्स वाला सेक्शन है तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मिल जाता है तो जैसे मैं आई थी तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब सेल 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 का तो लगा ही था और मुझे पता भी था बट ये चीज़ें जो मैं देख रही हूँ इनमें बिल्कुल ही सेल नहीं था ये फ्रेश वाला माल लगा हुआ था बिल्कुल ही आगे और ये बेसिक टी वाले बहुत सारे मतलब यहाँ पे ऑप्शन है अगर आपको डेली वेयर के लिए कुछ चाहिए बेसिक सा टी शर्ट्स वगैरह टॉप वगैरह भी बहुत सारे हैं नीचे पे बट ऊपर जो दिख रही थी वो ऊपर बेसिक टी शर्ट्स थे उस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट था और ये वाले सारे टी शर्ट्स पर बहुत डिस्काउंट था इसका थ्री नाइन नाइन प्राइस है बहुत बहुत ज़्यादा डिस्काउंट लगा हुआ था नो डाउट डेनिम्स चाहिए स्कर्ट चाहिए शॉर्ट्स चाहिए बहुत सारे ड्रेसेज इतने अच्छे अच्छे मिल रहे थे मतलब आप देख सकते हो टी शर्ट्स भी बहुत ही अच्छे अच्छे होते हैं मेरे को तो एचनएम के टी शर्ट बहुत अच्छे लगते हैं बहुत ही ज्यादा क्योंकि काफी अच्छा होता है क्वालिटी वाइज भी और सब कुछ बहुत अच्छा था प्राइस भी काफी अच्छी होती है की। और ड्रेसेस आपको सेवन नाइन नाइन का मिल जाएगा आराम से बहुत ही प्रटी लगा था इसमें और सारे बहुत सारे ऑप्शन भी थे और इस टाइप के कलर्स भी थे और तो अभी आप समझ के लिए कहीं जा रहे हो अगर कहीं घूमने वूमने जा रहे हो तो आप आराम से जाकर शॉपिंग कर लो और कितने ने तो कर भी लिया होगा क्योंकि एच एन एम और जारा की सेल की तो सारी सारे लोग ही वेट करते हैं कि कब सेल लगेगी और कब हम दौड़ के जाएंगे बट यार ए जैसे एच एन एम का तो हम कर भी लेते हैं बट ऐसा होता है कि ज़ारा का इतना जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होता है अगर जो ज़ारा से शॉपिंग करते हैं वो रिलेट कर पाएंगे मुझसे नहीं जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होता है मतलब अगर आप जैसे आप बैठे हो कि अभी नौ बजे से सेल लगने वाली है बट जैसे ही आपको थोड़ा सा लेट होगा आप नौ पंद्रह पे हो आधा से ज़्यादा ये चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है मतलब पता नहीं ये क्या है भगवानी जाने की ये वाला मतलब क्या सिस्टम है ऐसे मतलब लोग फ़ोन पे क्या चढ़ के बैठे रहते हैं कि नौ बजे ही आना है बिल्कुल ही या क्या सीन क्या है जारा वाले का पता नहीं बट ऐसा होता है मतलब पाँच दस मिनट लेट करो आप पूरी चीज़ें जो आपने अपने विशलिस्ट में करके रखी है जितनी भी चीज़ें आपके ऐड ऐड हो रखी है सब कुछ वो ऐसा आउट ऑफ स्टॉक होता है कि एक भी चीज़ नहीं बच पाएगी और ज़्यादा गाइज एच एन एम में बैग ज्वेलरी सब पे सेल है तो आप अगर चाहो तो आप ले सकते हो मुझे इस टाइप की बैग्स बहुत अच्छी लगती है बहुत ही ज़्यादा बहुत ही प्यारे प्यारे बैग्स हैं अभी एच एन एम में आए हुए काफ़ी सुंदर सुंदर इसका वेट इतना लाइट वेट होता है ये वाला जो मैंने पकड़ा है ना अगर आप इसको फील कर पा तो आप देखते बिल्कुल ही हवा सा था मैं अपनी बहन को भी चेक करवा रही थी बिल्कुल ही हवा सा था तो हल्का मतलब देख के लग रहा है कितना भारी होगा जो उसमें गोल्डन वर्क किया हुआ है बट ऐसा कुछ नहीं था बहुत ही हल्का था मेंस वाले भी सेक्शन में बहुत ज़्यादा सेल लगी हुई थी बेसिक बेसिक टीम वगैरह में और ये वाला जो आउटलेट है एच एन एम का कमला नगर मार्केट में ये काफ़ी छोटा जो मैंने आपको पहले ही बताया तो आप तुरंत में ही कवर कर लोगे ज़्यादा टाइम भी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सही है तो बहुत ही मज़ा आ गया था मुझे यहाँ पर भी आके बहुत ही चीज़ें मैंने देख ली बहुत ही चीज़ें बने मतलब कुछ कुछ चीज़ें मैंने ली भी मेरे सिस्टर ने भी परचेस करी यहाँ पर तो आप चाहो तो आप ले सकते हो काफ़ी चीज़ें डिस्काउंट में मिल जाएगी आपको अच्छे अच्छे ड्रेसेस भी मिल जाएंगे बहुत ही पटी पिटी ड्रेसेस वहाँ पे लगे हुए थे अभी भी एच में और एच के ऑनलाइन में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी तो आप चाहो तो आप शॉपिंग कर सकते हो कोई मतलब बहुत ही अच्छा मुझे तो एच की चीज़ें बहुत पसंद है वैसे भी एच एन तो है ही ऑप्शन में दो तो मतलब हमेशा ही रहते हैं ऑल टाइम ज़ारा तो हमेशा ही रहता है एच भी आ ही जाता है मतलब कुछ लेनी है तो एच एन एम ज़ारा एच एन एम ज़रा ही होता है बहुत कम ही होता है कि मैं कहीं और जाती हूँ किसी मतलब लाइक जैसे मैंगो में फॉर एवर में बहुत कम होता है बट ये दोनों तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है मैं इन दोनों में जाती हूँ फिर हम आगे निकल गए फिर वहाँ से बाहर आ गए फिर हम चलने लगे रोड पर थोड़ा कि अब कमला नगर रोड पर चीज़ें देखते हैं और क्या क्या मिल जाता है फिर मैं अपनी उस लेन पर जाने वाली हूँ जहाँ पर जो पहले मैंने दिखाया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें चीज़ मिलती हैं तो उससे पहले मैं यहाँ पे आ गई तो रास्ते में मुझे ये दिख गया ये वाला शॉप जो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे मतलब इतने सारे ऑप्शन होते हैं मतलब लाइक बहुत ही अच्छे मतलब इनके पास भी काफ़ी चीज़ें जा रहा कि कॉपीज़ होती है बट ये कॉपीज़ कॉपीज़ नहीं ये बिल्कुल ही फिफ्थ सिक्स टेंथ कॉपी होती है क्योंकि इनके मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं होती जैसे जारा के टैग लगा देने से वो जारा का नहीं हो जाता तो वही वाला सिस्टम है तो इसकी इनकी क्वालिटी सही नहीं होती बट जो मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया है हौस खास वाले ब्लॉग में उसमें जो ज़ारा का टैग है तो वो चीज़ सच में वो लगती है कि ज़ारा की है बिकॉज उसका फैब्रिक का क्वालिटी वगैरह बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि मैंने परचेस भी करा मेरी फ्रेंड ने भी परचेस करा वहाँ से मतलब दोनों को हम दोनों को ही लग रहा था कि फ़ैब्रिक भी बहुत ही सेम टू सेम है मतलब लाइक वाओ और इतना अच्छा प्राइस में मिल जाता है इसलिए मैं बोल रही थी कि अगर आप एच एन सॉरी अस कास में जाना चाहो तो आप जा सकते हो मार्केट विजिट कर सकते हो वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे स्टोर हैं अभी मैंने आधे ही स्टोर विजिट किए थे मतलब आधा भी नहीं किया था उससे भी कम विजिट किया था और मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मैं पक्का अच्छे से विजिट करूंगी और अच्छे से प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी इसलिए मैंने बोला भी था कि अगर मुझे कमेंट आएगी तो मैं करूंगी और काफ़ी लोगों ने मेरे को कमेंट भी करा है कि पूरी बनाओ तो वो तो पक्का हो चुका है कि मैं बनाऊंगी तो देखते हैं कब जाती हूँ मैं आपको अपडेट मिल जाएगा कि क्या करती हूँ मैं और कब जाती हूँ और कब आता है हौस खास का नेक्स्ट ब्लॉग सच में आई जल्दी ही आएगा क्योंकि मेरे को शॉपिंग भी करनी है मैंने लिस्ट बना ली अपनी क्या क्या चीज़ें लेनी है मुझे और ये फ्लैट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पिंक वाले जो मैं मैं ट्राई भी करूँगी और इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन थे मतलब हील्स के भी ऑप्शन बहुत अच्छे थे फ्लैट्स के भी बहुत अच्छे थे बहुत सारी चीज़ें थी इनके पास लेने लायक जो आप ले सकते हो यहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें थी और इसका प्राइस जो मैं ट्राई कर रही हूँ इसका प्राइस सिक्स हंड्रेड रुपीज़ बोल रहे थे जो मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा था मतलब लाइक इतना ज़्यादा नहीं होता है इनका प्राइस इतना सिक्स हंड्रेड रुपीज़ यार मतलब कुछ भी बोल रहे हो लूट लो बिल्कुल ही फोर हंड्रेड थ्री फिफ्टी इस टाइप की प्राइस होनी चाहिए तो ये बिल्कुल ही सिक्स हंड्रेड लगा रखा है और हील्स देख लो इस कितने पटी पटी हील्स थे इनके पास बहुत ही अच्छा अगर आप चाहो तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी आपको नो no डाउट इनके पास फ्लैट्स भी देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे और यहाँ से मैंने वो फोन कवर्स भी लिए थे यहाँ फ़ोन कवर्स यार अच्छे मिल जाते हैं मतलब पहले मैंने यहाँ से परचेस नहीं करते बट यहाँ पे फ़ोन कवर्स भी अच्छे मिल जाते हैं और ये बो वाले वा वाह पिंक वाला बो बहुत ही अच्छा कुछ ज़्यादा ही पिंक पर मेरे को प्यार आ रहा है आजकल ये तो बिल्कुल ही रानी पिंक है चटाक वाला फिर मैं इस वाले शॉप पे आ गई इस वाले शॉप पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे भी यहाँ पे शर्ट्स वगैरह भी थे और बहुत ही अच्छे अच्छे थे मतलब प्यारे प्यारे से और ये वाली जो ड्रेस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हुई थी एक बार और अभी अभी भी चली रही है ये वाले शर्ट बहुत ही अच्छे अच्छे इनके पास भी ड्रेसेस थे कागो पैंट थे डेनिम थी ये वाला शर्ट देख लो क्या इस पर एम्ब्रॉयडरी कितनी अच्छी की हुई है वाह सो रिटी है बहुत ही प्यारा लग रहा था ये वाला इसको अच्छे से स्टाइल करोगे अच्छे स्कर्ट के साथ पहनोगे कितना प्यारा और ये वाला भी देखो इस पर डेनिम का पूरा वो बना हुआ है फिटिंग कितना प्यारा लगा था अगर अपने ऊपर पहनोगे मैं ऐसे ज़्यादा ज़्यादा शर्ट वर्ट वेयर नहीं करती जो मेरा फॉलो करते होंगे जो मुझे काफ़ी टाइम से सब्सक्राइब करके रखा है उन्होंने देखा होगा कि मैं ज़्यादा शर्ट वर्ट वेयर नहीं करती हूँ मतलब शर्ट में इतना नहीं पहनती हूँ तो फिर मैं यहाँ पे क्लिप्स वगैरह आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे यहाँ पे क्वालिटी वाइज भी क्लिप्स की बहुत अच्छी होती है क्वालिटी वगैरह तो यहाँ पे अगर आपको आना तो आप यहाँ पे ऐसे क्लचर्स ऐसे क्लिप्स हेयर क्लिप्स हेयर एक्सेसरीज बहुत सारी चीज़ें लेके जा सकते हो क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी होती है फिर मैं दूसरे वाले शॉप पर आ गई दूसरे यहाँ पे ये यह पे बहुत ही सुंदर दूसरे मिल रहे थे क्योंकि मेरी सिस्टर ने बोल रखा था कि मुझे चाहिए एक फ्लैट तो देख के आना अच्छे से और ले कर आना इसलिए मैं ऐसे विजिट कर रही थी कि मेरे को चीज़ें मिल जाएँ यहाँ पे क्योंकि मेरी बहन को चाहिए था इस वजह से तो मैं यहाँ पर आई कि मैं देखूँ थोड़ा क्या क्या मिल जाता है तो काफ़ी चीज़ें मुझे मिल गई थी और कवर्स वगैरह भी इतने प्यारे प्यारे थे यहाँ पे मतलब वाह तो एक कवर तो मैं लेके गई थी जो मुझे चाहिए था काफ़ी टाइम से भी और एक मैं अपनी दीदी के लिए भी लेके गई थी वो आपको मेरे वीडियो में दिख जाएगा कि मैं उसके लिए कौन सा ले गई थी काफ़ी इनोवेटिव सा था काफ़ी अच्छा था काफ़ी अलग सा था बहुत ही अच्छा और उस तो, उसको उसी टाइप की चीज़ें अच्छी लगती है इसलिए मैं लेके गई थी यहाँ पर मैं अपने लिए कवर देख रही थी यहाँ पर मुझे कुछ कुछ चीज़ें लग रही थी कि मुझे मुझे लेनी चाहिए थी बट मैंने यहाँ से नहीं ली थी मैं दूसरे वाले शॉप से लिया था मैंने और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप वहाँ से ले सकते हो क्योंकि वहाँ पर ना उसकी फैब्रिक फैब्रिक बोल रही उसका कवर का क्वालिटी बहुत अच्छा था मतलब लाइक टच के से भी, भी अच्छा था और प्राइस वगैरह भी अच्छी थी रेंज यहाँ पे आपको बो वगैरह बहुत अच्छे चीज मिल जाएंगे जैसे कि देख सकते हो इस टाइप की चीज आपको बहुत मिलेगी यहाँ पे और इनका प्राइस भी अच्छा होता है और इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है तो आप चाहो तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो और काफी मतलब ना ऐसे होता है कि ये छोटे छोटे बच्चे बेचते रहते हैं ये वाले तो उनको देख लेने का मन भी करने लगता है कि ले लेते हैं ना मेहनत कर रहे हैं इतनी धूप में ऐसे बैठे हुए हैं और ऐसे टांग के भी घूमते रहते कोई कोई तो ये वाला शॉप का मैं कह रही थी ये वाले शॉप पे काफ़ी अच्छे अच्छे स्टाइलिश कवर है जो आपको ऑनलाइन दिखते हैं अगर आप चाहो तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो काफ़ी सुंदर सुंदर कवर्स थे इनके पास ये वाला देख लो ये मेरी बहन के लिए मैंने लिया था इसमें मिररर भी था तो ये काफ़ी अलग सा मुझे लग रहा था तो और उनको ये सब इन, मतलब इन टाइप की चीज़ें बहुत पसंद होती है बट मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है इसमें मैं नहीं लेती हूँ बट उसे ये इस टाइप की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और यहाँ पे कवर्स के बहुत सारे ऑप्शन थे आप चाहो तो आप यहाँ से ले सकते हो काफ़ी अच्छे अच्छे कवर्स थे इनके पास अवेलेबल तो इनका प्राइस भी काफ़ी अच्छा था ये वाला ब, ब, मैंने फ़ोन कवर लिया था ये मैंने लिया था टू का काफ़ी अच्छा मुझे मिल गया था और प्राइस भी बहुत अच्छा था टू कवर्स के लिए मतलब ठीक है इतना ही होना चाहिए मतलब लाइक थ्री हंड्रेड इस टाइप का प्राइस था मेरे को हजम ही नहीं होता है मतलब मैं खुद ही नहीं लेना चाहूँगी इतना महंगा कवर और यहाँ पे ऐसे ईयर भी मिल रहे थे छोटे छोटे काफ़ी क्यूट लगा था मुझे तो मैं इसलिए रुक गई यहाँ पे लेने के लिए और इनका प्राइस किसी का तीस रुपये था किसी का चालीस किसी का पचास किसी का सौ भी था किसी का साठ भी था तो काफ़ी अच्छे से हमारा उस दिन का टाइम चला गया था मतलब लाइक बहुत ही अच्छा मौसम था मतलब बेस्ट डे था उस दिन की मैं कमला नगर मैंने आने का डिसीजन लिया क्योंकि मुझे था कि आज तो बारिश होगी बट नो गॉड का अलग ही प्लान होता है तो उसने मतलब बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई तो ये वाली लेन थी जो मैं बोलती हूँ आपको इस वाला लेन पे इस वाले लेन का कुछ भी बंद नहीं था मंडे हो या कभी भी हो इस वाले लेन का ये लेन की मैं बात करती हूँ तो ये लेना मतलब ऐसे आप मेट्रो से आओगे तो मेट्रो वाले आपको उतार देते दे हैं वहीं पे जहाँ पे लिखा होता है कमला नगर मार्केट में आपका स्वागत है तो वहाँ से स्ट्रेट चलते रहोगे तो वहीं पे ये वाली लेन आपको दिख जाएगी क्योंकि बहुत ही बहुत ही फेमस है ये लेन आपको पता है कैसे नहीं पता है मुझे मतलब ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी फेमस है यहाँ पे ना पास में ही लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह है तो यहाँ पे गर्ल्स की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और मेट्रो स्टेशन भी यहाँ का पास का विश्वविद्यालय है तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर शाम को टाइम आओ तो बहुत ज़्यादा रश होता है और इस टाइप की टॉप अगर आपको चाहिए इस टाइप की ड्रेस मतलब टॉप आपको टू फिफ्टी का ड्रेसेस आपको थ्री फिफ्टी फाइव हंड्रेड्रेड्रेड इस टाइप की ड्रेसेस मिल जाएगी और यहाँ पे क्लिप्स वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती यहाँ की मैंने आधा से आधा ब्लॉग अपने पार्ट वन ब्लॉग में डाला है अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लो फटाफट से और इन्जॉय करो क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी जो मैंने इस लेन की उसमें डाल रखी है तो बहुत सारी चीज़ें थी और ये वाले शर्ट का प्राइस था थ्री हंड्रेड रुपीज़ किसी का टू फिफ्टी था किसी का थ्री हंड्रेड था काफ़ी अच्छा था बहुत ही प्यारा प्यारे मतलब कलेक्शन थे बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि मैं सरोजनी रही हूँ क्योंकि सरोजिनी में भी इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल जाती है जैसे आप मैंने मेरा सोजनी का ब्लॉग दिखा हो तो आपको पता होगा ज़्यादा चीज़ें मैंने मतलब ली भी थी और कवर भी करा था ताकि अब आप मैं आपको मतलब आपको हेल्प कर सकूं कि आप मंडे अगर आते हो तो मंडे को भी ऐसा नहीं होता कि शॉपिंग नहीं कर पाओगे मंडे को भी बहुत सारी चीज़ें लेके जा सकते हो और बहुत सारी चीज़ें खा पी के भी जा सकते हो तो अगर आपने नहीं देखा है लाफिंग कहाँ मिलता है तो ये जो मैकडोनल्ड्स वाला रोड है उस पर सीधे चले जाओ आपको लाफिंग वाला करके होगा वहाँ पर आपको दिख जाएगा एक आउटलेट है लाफिंग वाला लिखा होता है उस पर जो मैंने पार्ट वन वाले ब्लॉग पर डाला भी है कहाँ पर मैंने लाफिंग खाया था तो यही वाली गली है वो जो मैं जा, मतलब मैकडोनल्ड्स वाला जो है वो मैं अब लाफिंग खा के निकल चुकी हूँ तो मैं यहाँ का कवर कर रही थी अब मैं घर के लिए भी निकलने वाली हूँ अब तो मैंने लास्ट यहाँ पर देखा था ये वाला शॉप बेस्ट है गाइज ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको कम प्राइस में मिल जाएगी मतलब अगर आप बेस्ट मतलब सुंदर सुंदर टॉप ढूंढ रहे हो अच्छे अच्छे टॉप ढूंढ रहे हो तो ये वाला एरिया जरूर आप विजिट करना है ये वाला एरिया बहुत अच्छा है यहाँ पे आपको एक से एक टॉप मिलेगा जो मैंने ये ग्रीन वाला मैं टॉप देखूंगी वो बहुत सुंदर था पिंक और ग्रीन वाला ये वाला बहुत ही प्रटी था ये मेरे पास टाइम नहीं था मैं इसको इतना देख नहीं पाई और रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई अच्छे से बट ये वाला बहुत अच्छा था क्योंकि मेरी सिस्टर ने पहले ही रिक्शा रोक लिया था और मुझे उसमें बैठा था रिक्शा वाले करते जल्दी करो मैडम जल्दी करो तो मैं ये वाला देख रही थी ये वाला टॉप और बहुत सारे टॉप के ऑप्शन थे यहाँ पे अगर आप आते हो तो ये वाला लेन जरूर विजिट करना काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन होते हैं अगर मैं नेक्स्ट टाइम आई तो मैं यहाँ ज़रूर विजिट करूंगी और अच्छे से बनाऊंगी यहाँ पे ब्लॉग यहाँ पे अच्छे सूट करूँगी क्या क्या मिल जाता है बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत ही प्रटी और बहुत ही सही मतलब लाइक बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड के यहाँ पे रखे हुए थे ये वाला टॉप देख लो आप बहुत ही अच्छा लगता है बीच वे कितना सुंदर लगेगा अगर बीच पे जाओ और इस टाइप की टॉप पहनो तो बहुत सारे मतलब छोटे छोटे टॉप क्रॉप टॉप के ऑप्शन बहुत थे बहुत ही पिटी प्रटी टॉप्स और ये पूरी लेन जो मैं इधर उधर दिखा रही हूँ इस तरफ भी और उस तरफ भी बहुत ही अच्छा जब चीज़ें मिल जाएगी तो अब यहाँ पे जरूर आना ही मैकडोनल्ड के बाद पे जो पास जो रोड है पूरा वो बहुत अच्छा है तो अब हम निकल गए अपने मेट्रो स्टेशन के लिए काफी ज्यादा अच्छा और ये वाला जो रोड है ना यहाँ से विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन का जो एरिया है उसको आप मैं बोलूँगी वो जो रिक्शा होता है ना बैटरी रिक्शा नहीं वो जो नॉर्मल वाले रिक्शे होते हैं उसमें आओ उसमें आओगे तो काफ़ी इंजॉय कर पाएगा तो ओके गाइज़ अगर जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट सब्सक्राइब कर लो और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना तो मैं ये वाले रिक्शे की बात कर रही थी तो ओके बाय बाय टाटा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी सब्सक्राइब कर लो गाइज